इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। बहिष्कार किया गया है विपक्ष के द्वारा, क्या संसद भवन का बहिष्कार किया गया है? संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना जी था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल को क्यों? कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। अब सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। बहिष्कार किया गया है विपक्ष के द्वारा, क्या काम? संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना जी था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल को क्यों? कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। अब सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो।